Subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. The mean of the following distribution is 57.6 and the sum of all frequencies is 50. Any sum of frequency 50 hai. Find the values of the unknowns P and Q. Bilkul purane wale question ke similar hai. Maine to jaldi bari mein class mark bhi likh diya hai. ठीक है, अच्छी बात है. अब तो आपको क्लास मार्क मालूम है. शॉर्टकट मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. अज्यूम्ड मीन हम लोग क्या लें? देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा आप अज्यूम्ड मीन या तो 70 लीजिए और या तो आप 30 लीजिए. 30 लेने में मजा नहीं आएगा क्योंकि इधर की वैल्यूज काफी बड़ी है. तुम लोग 70 लेंगे, इससे क्या होगा कि कम से कम एक जगह जीरो आ जाएगा पी और क्यू. ओके, तो अब आपको अज्यूम्ड मीन मैं सजेस्ट कर रहा था कि 70 आप ले लीजिए. ये वाला ले लिया तो अब 10 माइनस 70 कितना हो जाएगा? माइनस 60. 30 माइनस 70 माइनस 40. 50 माइनस 70 माइनस 20. 70 माइनस 70 जीरो. 90 माइनस 70 प्लस 20. 110 माइनस 70 हो जाएगा प्लस 40. तो डिफरेंसेस आ गए हमारे पास. अब एफ आई डी आई 60 × 7 माइनस 420 माइनस 40 पी इधर वाला जीरो माइनस 240 20 × 8 प्लस 160 40 × 5 थोड़ा सा ज्यादा ऊपर लिख गया है. 40 × 5 प्लस 200. अब आप देखिए ये हमारे पास नेगेटिव में ये है माइनस 660 है ना, और पॉजिटिव में है हमारे पास प्लस 360. प्लस 360 माइनस 660 हो जाएगा माइनस 300. तो माइनस 300 यहां लिख लिया हम लोगों ने, और उसके बाद ये वाला तो जीरो है, ये वाला है माइनस 40 पी. माइनस 40 पी ठीक है. उसके बाद फिर हम लोग को लेना है सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई ऐसे तो हमें 50 दिया हुआ है, बट पी और क्यू है दो चीजें हैं, तो दो कंडीशन भी हमें फॉर्म करनी पड़ेंगी. तो पी और क्यू वाले टर्म्स वाला सिग्मा मैं यहां पर लिख दे रहा हूं. तो 7 + 12 + 8 + 5 = 20 + 25 + 7 = 32 + P + Q ये आ जाता है हमारा सिग्मा एफ आई. अब देखिए सिग्मा एफ आई हमें कितना दिया गया था? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 50. तो एक कंडीशन तो हम लोग लिख सकते हैं 32 + P + Q = 50. पी प्लस क्यू 50 में से 32 चला गया तो कितना बचा? 80. तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने फॉर्म कर दी. दूसरी इक्वेशन हमारी मीन से आई है. गिवन मीन इज इक्वल टू मीन कितना दिया है? मीन थोड़ा अजीब वैल्यू आई है 57.6. ऐसा ही होता है रियल लाइफ में कि मीन वगैरह थोड़ा सा डेसिमल में आता है. अब शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. नहीं, अब उसके बाद एफ आई डी आई सिग्मा यहां पे लिखा हुआ है, सिग्मा एफ आई यहां पे लिखा हुआ है. तो पहले तो अभी इतना ही लिख दे. ए हमने क्या एज्यूम किया था? 70 है ना, ए की जगह 70. सिग्मा एफ आई डी आई की जगह हम लिख सकते हैं माइनस, पहले तो यहां प्लस साइन लगा दीजिए, माइनस 300 माइनस 40 पी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. अब की बार हम लोग गलती नहीं करेंगे, सिग्मा एफ आई में सीधा 50 लिख देंगे है ना, और 57.6 यहां पर है. तो अब 70 में से 57.6 माइनस किया जाए तो ये आ जाएगा कितना, या 57.6 में से 70 माइनस कर लीजिए, इधर वाला इधर इधर ना खिसका है ठीक है.
और आप देख सकते हैं यार इसमें तो जीरो ही कैंसल हो जाएंगे सब जगह से, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस, चलो यही कैंसिल कर देते हैं और नीचे वाला सिर्फ 5 बना रहने देते हैं, ये 30 और माइनस 40, आप समझ सकते हैं 10 कॉमन ले लिया है ऊपर और 0 काट दिया है। अब 57.6 में से 70 माइनस करें आ जाएगा -12.4, और -12.4 में हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो आ जाएगा -62। सब पॉजिटिव हो जाएंगे तो 4p इज इक्वल टू 62 माइनस 30 हो जाएगा इस बार, तो ये हो जाएगा 32p इज इक्वल टू 8। बहुत ध्यान से किया करिए बच्चों, क्योंकि ये मतलब 8th क्लास में पढ़ाया जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जब हम लोग करते हैं, और बच्चे एक्चुअली क्या है इसको ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, सोचते हैं कि आ जाएगा लेकिन आंसर उनका नहीं आता है, क्योंकि जरा सी गलती कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पी इज इक्वल टू 8 आया था हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पी तो आ गया है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 18 है, तो इसीलिए पहली क्वेश्चन थी। अब देखिए यहां पे अब आप बेनिफिट देख सकते हैं क्या, 70 हमने यहां पे रखा था, तो इस इक्वेशन में देखिए यहां से जब हम लोग यहां आए तो देखिए केवल एक ही अननोन है पी, वन वेरिएबल में इक्वेशन चलती जा रही है, हमने पी कैलकुलेट कर लिया। अब पी को यहां पे पुट करेंगे क्यू आ जाएगा, है ना। अब पी 8 प्लस क्यू इज इक्वल टू 18, यहां पर लिख देंगे यूजिंग पी इन वन, चलो ये लिख दो, पी इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, ये करा है हमने, तो अब यहां से क्यू इज इक्वल टू आ गया 10। बहुत ही आसान था, लेकिन ये पार्ट थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव है, टाइम लगेगा बट डिफिकल्ट नहीं है। सो दिस इज डन नाउ, ये भी हमने शॉर्टकट मेथड से किया।